मतलब की दुनिया सारी, मतलब की दुनिया सारी, मतलब के नर और नारी, मतलब से होती देखी हमने मतलब की यारी, मतलब के पास पड़ोसी, मतलब की रिश्तेदारी, मतलब से हंस के बोले घर में घरवारी। हाय मतलब की दुनिया सारी, मतलब पड़ा सुदामा जी का बोली उनकी नारी विपता दूर करेंगे गिरधारी, ओ विपता दूर करेंगे गिरधारी। कि मतलब से द्रौपदी पुकारी लाज रखो हमारी मेरी, अरज सुनो गिरधारी, ओ मेरी अरज सुनो। अरे ऐसी लागी लगन, लागी लगन मन में हो के मगन, मन में हो के मगन। ओ मतलब से दर दर भटकी मीरा बिचारी, है मतलब की दुनिया सारी। कहूं कुछ कहा ना जाए देखो दुनिया की चला, ऐसे लोगों को तो दुनिया में मर जाना ही भला। सही कह रहे हो महाराज, अगर ऐसे लोग जब दुनिया में मर जाए तो बढ़िया है। कैसे? आपसे थोड़ी कह रहे हैं, सुगुन्ना की देख रही हो। कैसे लोग मर जाए वो सुनो, एक एक शब्द ध्यान से सुनेंगे। और राजा वो मर जाए जुलम जो, और खुद प्रजा पे तोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष भूले। कह दू बाबा, कह दू बुरो तो ना मानोगे। हर मरी जाए सिर संत महात्मा, कैसे कैसे महाराज कैसे, सुनो सुन लो, पहले हंसने की बात नहीं, सुन लो। मर जाए सिर संत महात्मा जो ओम को नाम रखे ना, और ढोंग रचे पाखंड करे और खोटे कर्म तजेना। और पंडित वो मर जाए महाराज, कह दू पंडित वो मर जाए भ्रात जो वेदक ग्रंथ पढ़े ना, और मांस खाए मदिरा को पीवे वेदक ग्रंथ पढ़े ना। और सुनिए, और बेटा वो मर जाए कुटुंब की ऐसी औलाद मर जानी चाहिए, कैसी? माँ बाप को एक आस होती है कि बेटा बड़ा होकर के मेरा नाम करेगा, लेकिन वही बेटा दारू पी करके गलियों में लोट रहा है,
लोग कहते हैं कि किनको है कि बनी को मुसलमान, तो ऐसी औलाद मर जाए तो ठीक है, बाद में बाप दुखी होता है तो कहता है कि जहां से तो अच्छा ना हो तो ठीक है। जब बच्चा उल्टे काम करता है तो माता पिता क्या कहते हैं कि इससे अच्छा तो ना होता तो ठीक था। और बेटा वो मर जाए कुटुंब की से की शान घटावे, अब सुनना, और मर जाए ऐसो बाप कहीं औलाद को ना ही पढ़ावे। और सुनिए, और बेटी वो मर जाए के कुल दोनों करे दाग लगावे, ऐसी बेटी मर जानी चाहिए जो अपने माँ बाप की नाक कटवा दे, जो अपने माँ बाप का मान सम्मान माँ बाप की इज्जत न समझे, ऐसी बेटी मर जाए। और बेटी वो मर जाए के कुल दोनों करे दाग लगावे, और भैया वो मर जाए भाई को औरों से पिटवावे। पत्नी कैसी मर जाए, पत्नी कैसी मर जाए, और पति उठावे कष्ट नारी औरों के संग में डोले। पति बेचारा परदेश नौकरी कर रहा है और पत्नी दूसरे के संगम पड़ाके मार रही है जाके, ऐसी पत्नी मर जाए जो पति को धोखा दे रही हो, मर जाए ऐसी पत्नी। तुम काहे को ऐसे नहीं की बात हो रही है, मेरे यहां की है। हर पति उठावे कष्ट नारी औरों के संग में डोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में बिसर खोरे। कह दू हैं, और मर जाए सुर यार यार की। ए पुष्पेंद्र भैया, आजकल यार ही बहुत जल्दी है जाते, और एक दिल दो यार, ऐसो यार मर जाए कैसो। हर मर जाए सुर यार यार की, जो विपत्ति न करे सहाय, जो विपत्ति में अपने यार की सहायता न करे ऐसो यार मर जाए। और रिश्तेदार बोई मर जावे टोटे में करे बुराई। और सुनो, अरे साहूकार बोई मर जावे बखत पे देने पाई। साहूकार जो 4-5% की ब्याज लेता है, कोई है तो ना भैया यहाँ पे, बुरा मत मानियो, हाथ जोड़ रहा हूं। लोगों की मजबूरी का फायदा जो उठाते हैं, नहीं आप देते हैं अच्छी बात है, पैसे से पैसा पैदा कर रहे हैं बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा मत करो अगर कोई व्यक्ति उसके घर में कोई बीमार पड़ा है, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, और वो आपके पास पैसा लेने आया तो आपने कहा 10% की लगाई, लेने हो तो ले ना मत ले, तो ऐसा व्यक्ति मर जाए। हर साहूकार कोई मर जावे बखत पे देने पाई, और छोड़े साथ मुसीबत में वो तो मर जाए दुष्ट लगाई। भैया कह दू बुरी तो ना लगेगी, अरे मुखिया पंच प्रधान मरे वो, ऐसे मुखिया पंच प्रधान मर जाए जो जनता का पैसा जनता में न लगा करके अपनी हवेली बनवा लेता है, ऐसे मर जाए। देखो
हमारी कथा चल रही, ये बड़ेगा कोटरा पड़ता है सावर के पास में, तो हमारा ट्रस्ट है श्री भागीरथी विश्व शांति मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट भारत। मैं उस ट्रस्ट का राष्ट्रीय सचिव हूँ, आई एम नेशनल सेक्रेटरी। तो मैंने वहां पे कहा अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताएं, भाई उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो एक अम्मा खड़ी है गई और अम्मा बोली के गुरुजी हमारी लेटरिंग आई सो कड़ी खाओ प्रदान खाएगो। आप गलत सेंस मत निकालिए, मतलब पैसा खाएगो, अम्मा थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी। तो मुखिया पंच प्रधान मरीजो, मैं यहाँ के प्रधान की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के तो बहुत बढ़िया हैं। हाँ मैं सुबह जब निकल करके जा रहा था खाने खाने के लिए, तो हमसे राधे राधे भी किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे प्रधान जी हैं यहाँ के, ज्यादा ही बढ़िया हैं। और मुखिया पंच प्रधान मरीजो, और अब भाई पे जुलम कमावे, और पच्चपात की बात करे आपस में लारी बढ़ावे। और मरी जाए तेरे बेद डॉक्टर, डॉक्टर तो ना है कोई, ओए तो बुरा मत मानियो, ऐसे डॉक्टर मर जाए जो थोड़े से लोभ के पीछे मरीज को मार देते हैं। अभी आपने कोरोना में हजारों ऐसी खबरें सुनी होंगी कि लोगों की किडनियां निकाल ली गई, सुनी थी नहीं सुनी थी, कोरोना घोषित कर दिया, किडनी निकाल ली, पैक कर दिया, छूना मत कोरोना से, तो ऐसे डॉक्टर मर जाए। हाँ डॉक्टर जो लोभ से पाप कमावे, और मर जाए अरे। अब हाँ अपना नंबर ले 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 ले, और मर जाए ऐसे गुरु शिष्य चेलन से ज्ञान छिपावे। गुरु मर जाए जो अपने चेलों से ज्ञान छुपाए, और सबसे पहले हम मर जाए शास्त्री, शास्त्री लोग मर जाए सबसे पहले। बहुत बढ़िया बात। कौन लोग मर जाए समझो, आजकल दो ही किताबें पढ़ ली बने गए शास्त्री, गाना किसी का लिखा हुआ है, नाम अपना लगा दिया, कवि को क्या मिलता है आप बताना मुझे, कवि को सिर्फ एक नाम ही तो मिलता है, और वो भी आपने उस कवि का नाम हटा करके अपना नाम लगा दिया, तो कवि की तो मेहनत बेकार गई। मैं डरता किसी से नहीं हूं, खुले मन से कह रहा हूं। हमारे यहां पर एक स्वामी आधार चैतन्य हुए, उन्होंने न जाने कितनी रचनाएं गाई हैं शिवराम वर्मा की लिखी हुई, और एक भी बार उनका नाम नहीं लगाया है, हर जगह कहते हैं कहें आधार कहें आधार। शिवराम वर्मा जो राजपूत कवि हुए, उनका नाम एक भी बार नहीं लिया है, तो उनके जाने तो कवि मर गया। तो आजकल के ऐसे शास्त्री मर जाए जो कवि का नाम हटा करके अपना नाम लगा देते हैं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं भी मर जाऊं। हाँ मैं अपनी भी कह रहा हूं, अरे कहीं जनार्दन भोई मर जावे, छाप जो और की और टटोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमीरत में दिशा बोले। चलते चलते मैं एक बात जरूर कहूंगा, अरे गंगा यमुना पास तेरे तुझे कुएं का नहाना रे ना भाई, क्या बात है, और घर बैठे तेरे माता पिता तुझे तीर्थ करना ना भाई।
बोल गोविंद भगवान की जय हो। अब बहुत बुराई कर ली, आरती कर ली।